हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। आपके लिए आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं रीजनिंग का, जो आपको सामने दिख भी रहा होगा। कौन सा है? चैप्टर है आपका क्लॉक, घड़ी। तो वैसे तो आप सभी यूज करते होंगे, मोस्टली ज़्यादातर पहनते ही हैं आप। अगर फ़ोन की है तो फ़ोन की, नहीं तो हाथ वाली घड़ी का यूज़ तो सभी करते ही हो। अब अगर हम इसमें बात करें कि इसके जो क्वेश्चन जो होते हैं वो क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, अगर हम देखें कि आपने एक पूरा डायल बना रखा है, हमने तो डायल जो है, डायल पे पूरा हमने एक टाइम सेट कर दिया, वो कौन सा? 8 बजे का। अब जो इसके जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं कि या तो कितने बजे पर कितने मिनट का कौन बनेगा, या आपको कौन दे देगा और पूछेगा टाइम के लिए कि ये कौन कितने बजे पर बनेगा। टाइम देगा आपको, टाइम में आपको मिनट देगा वो कि कितने मिनट पर ये आपका एंगल बनेगा। चलिए इसी में थोड़ा सा हम बेसिक जानते हैं क्या है वो देख लेते हैं कि मान के चलो अगर हम पहले बात करें मिनट वाली सुई की, सबसे पहले हम बात करें मिनट वाली सुई की। मिनट वाली अगर सुई की हम बात करें तो उसका जो काम है वो काम है कि आपको मिनट बताना, कब कितनी मिनट होते हैं। अगर हम उसके लिए एक बात करें कि हमारी जो मिनट वाली जो सुई होती है, निडल जो होती है, वो अपना पूरा एक चक्कर, पूरा एक चक्कर मतलब 360 डिग्री, क्योंकि हमारे जो घड़ी का जो डायल होता है वो कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। अगर हमने देखा कि 360 डिग्री वो कितनी देर में, देर मतलब कितने आवर में घूम रही है, तो हमने देखा कि मिनट वाली जो सुई है वो आपकी अगर यहाँ से आप देख रहे हो तो वो कितना घूमेगी? 1 घंटे में। यहाँ से वो कितना घूम रही है? 1 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। अब अगर मान के चलिए मैं इसको 60 मिनट कर दूं तो कोई अंतर? कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब यहां से अगर मान के चलिए हम 1 मिनट का निकालने चले तो कितना हो जाएगा? 360 डिवाइड कितना? 60। तो 1 मिनट का आ गया आपका कितना? 6 डिग्री। आपकी जो मिनट वाली है वो 1 मिनट में 6 डिग्री चलेगी। अगर मान के चलिए यहाँ से आप 5 मिनट का निकालने लगे तो कितना हो जाएगा? 5 मिनट का हो जाएगा आपका 6 गुना 5 कितना, मतलब 30 डिग्री। 30 डिग्री जो आपका है वो यहाँ से और यहाँ तक, किसी भी एक आवर को ले लीजिए, 1-2 को ले लो, 12 से 1 का ले लीजिए, 8 से 9 का ले लीजिए, तो उसमें जो है वो आपका कितने का है? 30 डिग्री का। मतलब 5 मिनट में जो आपकी सुई चल रही है मिनट वाली, वो कितना चल रही है? 30 डिग्री। चलिए अब यहीं पे अगर हम बात करें घंटे वाली सुई की, घंटे वाली सुई को भी हम इसी तरीके से देखेंगे जैसे हमने ये वाली देखी कि 360 डिग्री। देख लेते हैं कितनी देर में घूमती है वो, कितना? 12 घंटे में घूमेगी। ये वाली जो छोटी वाली जो आपकी निडल है वो पूरा एक चक्कर कितना में, कितनी देर में लगाएगी? वो लगाएगी आपकी 12 घंटे में। अगर आप यहाँ से 1 घंटे का निकालेंगे तो 1 घंटे का कितना हो जाएगा आपका? 360 डिवाइड कितना? 12। तो कितना आ गया आपका? 30। 1 घंटे में वो कितना चल रही है? 30 डिग्री। अगर अब यहाँ से आप 1 मिनट का, या ये कितना हो गया आपका, इसको हम 60 मिनट कह सकते हैं, 1 मिनट का जब आप यहाँ से निकालने चलोगे तो कितना हो जाएगा? 30 डिवाइड कितना? 60। तो कितना आ गया आपका? 1/2 डिग्री। घंटे वाली जो सुई है आपकी वो कितना चल रही है? 1 मिनट में 1/2 डिग्री चल रही है। अब हमने यहाँ से दोनों का चेक कर लिया, क्या कि मिनट वाली सुई जो चल रही है वो आपकी 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, और घंटे वाली जो सुई है वो 1 मिनट में कितना चल रही है?
आधा डिग्री। चलिए इतना हमने चेक कर लिया, अब इसमें और क्या होता है थोड़ा सा और बेसिक जानते हैं हम इसके बारे में कि क्या क्या और चीज क्या क्या होती है। तो एक सबसे पहले होता है आपका जीरो डिग्री। जीरो डिग्री जो होता है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ओवरलैप, और हिंदी में बोलेंगे क्या, संपाति। पेपर जो होता है आपका बायलैंगुअल आता है, लेकिन बायलैंगुअल में कभी कभार वो क्या है कि ओवरलैप, या तो बायलैंगुअल में आपको ओवरलैप भी दे सकता है, इंग्लिश में तो ओवरलैप भी देगा, लेकिन हिंदी में जो देगा वो आपको क्या देगा, संपाति देगा, ये वाला। या इसकी जगह पे कह देगा कि घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के ऊपर होंगी। ऊपर के लिए भी बोल सकता है, कब बोलेगा, जब आपका जीरो डिग्री का कोण बनेगा। जीरो डिग्री का मतलब हो गया आपका कि उन दोनों घड़ियों की सुइयों में कितने 0 मिनट का डिफरेंस जो होगा आपका वो कितना होगा, 0 मिनट का होगा। अब उसके बाद में होता है आपका 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम बोलते हैं क्या, राइट एंगल। राइट एंगल मतलब समकोण। यहां हमने देखा कि यहां तो 0 मिनट का डिफरेंस है, अब हम 90 डिग्री में देखेंगे तो 90 डिग्री में कितना हो जाएगा, 15 मिनट का। अगर घड़ी की दो नौ सुइयों के बीच में 15 मिनट का डिफरेंस है तो वो आपका कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। 180 को क्या बोलते हो आप, अपोजिट एंगल। अपोजिट होता है विपरीत, जो आप बोलते हो हिंदी में क्या हो जाएगा आपका, विपरीत हो जाएगा। और जब 180 मिनट का आपका, 180 डिग्री का आपका एंगल बनेगा तो आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, 30 मिनट का, दोनों सुइयों के बीच में 30 मिनट का। अगर मान के चलिए मैं एक आपको टाइम बताऊँ कौन सा, कि ठीक जब आपका कितने बजेंगे, 6 बजेंगे, तो ठीक 6 बजे पे हमारा कितना हो रहा है, 180 का कोण बन रहा है। हमने देखा कि 180 का कोण बन रहा है तो कितने मिनट का डिफरेंस हो गया यहाँ पे, वो हो गया आपका कितने का, 30 मिनट का। सेम ऐसी आपको सब में देखना है कि 90 डिग्री का अगर हम कर दें, यही मान के चलिए 90 डिग्री का हम बना दें, एक एंगल यहाँ बना दिया, इसको थोड़ी देर के लिए क्या कर दें, ओवरलैप कर दें। ओवरलैप करने पे ये हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे बनना है आपका 90 डिग्री का। 90 डिग्री का बनने के बाद में इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने मिनट का आ रहा है, 15 मिनट का। यहाँ जो आ रहा है आपका वो कितना आ रहा है, 15 मिनट का, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें थोड़ा सा और बेसिक में अगर हम जाएं तो एक बार हमें ये वाला रफ करना पड़ेगा। इसमें जो होता है कि हर घंटे में मान चलिए या तो 0 डिग्री का होगा वो, 90 डिग्री का होगा, या आपका 180 डिग्री का होगा, कि वो हर घंटे में कितनी बार बनते हैं। अगर हम सबसे पहले 0 डिग्री के लिए बात करें, 0 डिग्री, तो एक घंटे में कितनी बार बनेगा एंगल, एक बार बनेगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कैसे कैसे बन रहा है एक बार। तो देखिए एक बार हम यहाँ चेक कर लेते हैं कि ये जो 12 है, ठीक 12 जो बन रहा है, अगर हम यहाँ दोनों सुइयों को एक दूसरे ठीक 12 बजा दें तो एक दूसरे के ऊपर ऊपर हो रही है, ओवरलैप हो रहा है। तो ओवरलैप होने पे हमारा कितना बन रहा है, एक घंटे में वो एक बार बन रहा है, क्योंकि जब 12 से 1 के बीच में आएगा या 1 से 2 के बीच में आएगा, केवल एक दूसरे के ऊपर एक बार ही तो होंगी, दो बार तो होंगे नहीं। तो ऐसी अगर हम मान के चलिए 12 घंटे का आप निकाले चलें तो कितना आ जाएगा, 11 बार। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11 बार आ जाएगा। और 24 घंटे का आप निकाले चलें तो कितना हो जाएगा, 22 बार हो जाएगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब एक घंटे में एक बार बन रहा है तो 12 घंटे में तो 12 बार बनना चाहिए था, बनना चाहिए था, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कितनी बार बन रहा है। तो हमने ये देखा कि जब 12 घंटे में एक बार बन रहा है तो यहाँ से एक जो आपका आवर है वो क्या हो रहा है, मिस हो रहा है। मिस क्यों होता है कि जब आप यहाँ से 12 ठीक जब हमारा 12 बजता है तो, और 12 से एक तक आती हैं दोनों सुइयाँ, तो वो कभी भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती हैं। क्यों, क्योंकि आपके ठीक 12 बजे ओवरलैप हो रहा है, तो 1 बजे तक आपका क्या है वो ओवरलैप नहीं करेगी। तो हमने यहाँ पर टाइम दर्शा दिया क्या,
बारह से एक का, कि बारह से एक के बीच में कभी भी घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। सेम इसी की तरह पे आपका 180 डिग्री का एंगल और होता है, बिल्कुल सेम इसी की तरह। बस वो जो टाइम है वो आपका टाइम हो जाता है कैसे, चलिए देख लेते हैं एक बार। 180 कितनी बार बन रहा है, एक बार बनेगा। 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 11 बार। और 24 घंटे में कितना बना हुआ आपका, 22 बार। अब यहाँ जो टाइम है आपका, वो टाइम है 6 से 7 का, 6 से 7 का। कैसे कि आपका ठीक 6 बजे, क्या आपका ठीक 6 बजे आपका 180 डिग्री का कोण बना, लेकिन जब 6 से और 7 के बीच में घड़ी दोनों चलेंगी यहाँ तक, तो कभी भी एक 180 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगी। ठीक है, लास्ट में आता है आपका क्या, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का क्या कैसे है कि एक घंटे में जो बनता है वो कितना बनता है, 2 बार। यहाँ पे जो बन रहा है आपका कितना बन रहा है, 2 बार बनेगा। 12 घंटे में अगर आप बात करें तो कितना, 1 में 2 मतलब 2 गुना हो रहा है, तो यहाँ से कितना बन जाएगा, 12 दूनी 24, लेकिन 24 नहीं बनेगा, वो कितना बनेगा, 22 बार। और 24 घंटे में कितना बन जाएगा, 22 दूनी 44 बार। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि जब एक घंटे में 2 बार बन रहा है तो 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए था, लेकिन जो आपका 90 डिग्री का एंगल है वो एक्यूरेट जो बनता है वो एक 9 बजे और एक 3 बजे बनता है। आपने देखा होगा यहाँ पे जो बनता है 9 बजे और 3 बजे जो बनता है आपका, उसको हम जो है एक घंटा यहाँ से कम कर देते हैं। एक घंटा यहाँ से कम हो गया 9 से 10 के बीच में, और एक घंटा कहाँ कम हो गया, 3 से 4 के बीच में। तो हमने यहाँ पे टाइम लिख दिया कि 9 से 10 में एक बार बनेगा, और 3 से 4 में क्या बनेगा आपका, 1 बार बनेगा। बाकी जितना भी आपका टाइम होगा, कोई भी आपको टाइम दे के रखेगा, तो उसमें कितना बनेगा आपका, 2 बार बनेगा। चाहे आप कोई सा भी टाइम ले लीजिए, 2 से 3 ले लीजिए, 8 से 9 ले लो, 10 से 11 ले लीजिए, 11 से 12 ले लीजिए, तो उनमें सम में कितना बनेगा आपका, 2 बार बनेगा। ठीक है, अब हम इस पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन बेस क्वेश्चन करते हैं, थोड़े से एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं कि कैसे कैसे आता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें जो होगा, हम केवल आपको एक ही फॉर्मूला यूज करने के लिए बोलेंगे, क्या थीटा इक्वल 11/2 एम प्लस और माइनस 30 गुना h। थीटा तो आपको पता है कि थीटा आपको दे के रखेगा, कितना ही दे दे, 0 डिग्री दे दे, 90 डिग्री दे दे, पूछ ले 45 पूछ ले आपसे, 180 पूछ ले, कितना ही पूछ ले आपसे। उसके बाद में ये जो m जो होगा आपका, वो क्या होगा आपका, मिनट होगा। ठीक है, और h जो होगा आपका, वो क्या होगा आपका, आवर होगा, आवर। अब मान के चलिए मैं आपको दे दूं कि 4 से 5 के बीच में, 4 से 5 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। क्वेश्चन जो होगा आपका इस तरीके से होगा कि 4 और 5 बजे के बीच में कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। तो देखते हैं, हमारा फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिखने के बाद में आप इसमें केवल आपको पुट करना है, तो करिए, पुट करिए जरा। थीटा इक्वल क्या आ जाएगा आपका, 0 इक्वल 11/2 मल्टीप्लाई एम, आपको दिया नहीं है क्योंकि ये भी आपका आवर है और ये भी आपका क्या है, आवर है। अब यहाँ पे क्या लगाना है हमें, माइनस लगाना है, अच्छा पहले एम रह गया, माइनस 30 गुना h। अब आप सोच रहे होगे h यहाँ पे 2 है और यहाँ पे हमें कौन सा लेना है, तो हमें जो आवर जो लेना है, हमेशा पहला वाला आवर लेना होगा, चाहे वो आपका पहला कितना ही हो। तो कितना आ जाएगा आपका, 4। यहाँ से कितना बनता है आपका, 120 बनता है, 120 को आप इधर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा, 120 मल्टीप्लाई आप 2 की करोगे, इस ये जो 2 है मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 11 किस में चला जाएगा, डिवाइड में।
तो कितना बन जाएगा आपका यहाँ से 220 बट्टे 11, 240, सॉरी 240 बटे 11 बन जाएगा। तो बनने के बाद में अब यहाँ से आप चेक करिए, कैलकुलेशन करिए, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 21:09 पर। मतलब आपका जो ऑप्शन होगा वो कैसा होगा कि ऑप्शन आपको होगा आपका 4:29 और 21:09। इसी तरीके से आपको क्या मिलेंगे, चार ऑप्शन मिलेंगे, वो आपको टिक करना होगा कि आपका ऑप्शन जो है कौन सा ठीक बन रहा है। अब हमने देख लिया कि 0 डिग्री, 0 डिग्री मतलब घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, तो 4:21 पर। तो आपने देखा कि 4 बज के, देखिए घड़ी की सुइयों को हम बड़ा कर देते हैं, होती नहीं है बट कर देते हैं चेक करने के लिए। तो ये जो दूसरी वाली जो सुई है वो भी कहाँ पहुँची, लगभग यहाँ तक पहुँच रही है। तो यहाँ तक जो है दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर होंगी, ऊपर मतलब एक दूसरे के ऊपर, तो उसको कहेंगे कि हम ये क्या है कि एक दूसरे के लिए ओवरलैप कर रही है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, ठीक है। अब अगर हम एक क्वेश्चन और, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी पे। क्या कि 1 से 2 बजे के बीच में हमने टाइम लिया, 1 और 2 बजे के, क्वेश्चन होगा सेम आपका कि 1 और 2 बजे के बीच में कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। ओवरलैप नहीं होगा तो क्या होगा, संपाती होगा, कि घड़ी की दोनों सुइयां 1 और 2 के बीच में कब एक दूसरे के संपाती होंगी। तो संपाती के लिए आपको हमने बताया कि जैसे आप ये किया है क्वेश्चन, सेम आपको करना है कि 0 रखना है, इक्वल 11/2 एम माइनस 30 गुणा कितना, पहला वाला आवर कितना हो गया आपका, 1 हो गया, 30 इधर आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 11 आपका डिवाइड में चला जाएगा, तो कितना हो गया आपका यहाँ से 60/11। 60/11 को हम फ्रैक्शन में अगर लिखें तो 5:05 होता है आपका। तो हमारा आंसर आ गया, आंसर क्या हो गया आपका कि 1:05 पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, ठीक है। इसी के आगे हम एक टाइम और ले लेते हैं कि 7 से 8 के बीच में, ठीक है, 7 से 8 के बीच में ले लीजिए। चलिए 7 और 8 के बीच में हमने एक टाइम और ले लिया, तो करिए इस वाले क्वेश्चन को, जरा देखते हैं फिर कि क्या आता है। चलिए देखते हैं, 0 इक्वल क्या आ जाएगा, या आप इसमें क्या करने हैं, आपको यहाँ पे 180 का ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पे आप 180 का ज्ञात करिए कि क्या आएगा, तो क्या आएगा, अब जो आपको थीटा जो रखना है वो कितना रखना है, 180 रखना है, इक्वल 11/2 एम। अब देखिए हमने यहाँ जो प्लस माइनस जो दिया था आपको वो क्या दिया था, जी कि जब आपका 6 बजे से ऊपर का टाइम जाएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस करना है, अगर 6 से नीचे का टाइम रहेगा आपका तो क्या करना है, आपको माइनस रखना होगा फॉर्मूला में जो हमने यहाँ पे रखा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 गुणा 7 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका, 210 हो जाएगा, और 210 इधर माइनस में आएगा 11/2 एम। तो एम इक्वल यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका बचा 30, और 30 की 2 में मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ गया, 60/11। 60/11 का हो गया आपका 5:05 पर। मतलब अब आप यहाँ चेक करोगे कि 7 और 8 के बीच में 180 का कोण कब बन रहा है। तो हमने देखा कि कब बनेगा, लगभग यहाँ पे बनेगा, ऐसे इसी तरीके से बनेगा, क्योंकि दोनों सुइयों के बीच में कितने मिनट का डिफरेंस होना चाहिए, 30 मिनट का। यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 30 मिनट का डिफरेंस होगा। अब हमने चेक किया कि यहाँ पे हमारा कितना बन रहा है, 30 मिनट का डिफरेंस बन रहा है।
तो यहाँ से आपका कितना आंसर हो जाएगा, 5 सही, 5/11 मिनट पर। अब इसी के आगे हम एक और टाइम लेते हैं, उसमें आपको क्या करना है कि 90 डिग्री का एंगल ज्ञात करना है। अभी तक हमने क्या करा था कि हमने 0 डिग्री का कर लिया, 0 डिग्री के 3 क्वेश्चन कर चुके हैं हम, 180 का हमने 1 क्वेश्चन कर लिया। इसी के आगे अब आपको क्या करना है कि आपको ज्ञात करना है कि 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में आपको 90 डिग्री का एंगल ज्ञात करना है। कितने का करना है? 90 डिग्री का एंगल ज्ञात करना है। अब देखो, आपको इतना तो पता है कि अभी हम पहले बता चुके हैं कि 90 डिग्री का जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा आपका, 2 एंगल जो बनेंगे आपके 90 डिग्री के, वो बनेंगे आपके 2 एंगल। अब आपको 2 एंगल कैसे कैसे ज्ञात करने हैं, तो आपको क्या करना है, आपका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको क्या करना है कि एक बार तो प्लस रख देना है आपको, और एक बार आपको रख देना है क्या, माइनस। ठीक है, तो चलिए करिए, फिर बताते हैं थोड़ा सा कि दोनों का एंगल क्या आएगा। तो रखिए, पहले एक बार प्लस रख के कर लीजिए, 90 इक्वल 11/2 m प्लस 30 गुणा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो ये 120 बना, इधर आएगा 120, इधर प्लस माइनस में आएगा तो कितना बचेगा आपका, 30 बचेगा, गुणा 2 और डिवाइड कितना, 11। तो इसका भी सेम वही आ रहा है, कितना कि m इक्वल 5 से 5/11। डायरेक्ट कर दिया मैंने क्वेश्चन को यहाँ से, आंसर को, क्योंकि यहाँ से 60 बनता, 60/11, 60/11 का मतलब हो गया आपका कितना, 5 सही 5/11। एक तो टाइम आपका ये आ गया कि क्या कि जब 4:05 से 5/11 मिनट हो रहे होंगे तो आपका क्या बन जाएगा, आपका 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका 15 मिनट का डिफरेंस हो रहा है। अच्छा, अब जब हम दूसरा निकालेंगे तो दूसरे में क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक बार प्लस रखा था, इस बार क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो निकालिए दूसरा वाला, यहाँ पे क्या, 90 इक्वल 11/2 m माइनस 30 गुना कितना करना है आपको, 4 कर देना है। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे तो ये जो माइनस जो माइनस वाला है इधर किस में आ जाएगा, प्लस वाले में आ जाएगा। तो प्लस जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 210 हो जाएगा। डायरेक्ट कर रहे हैं हम, 210 मल्टीप्लाई कितना, 2/11। तो निकाल दीजिए यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 420 बटे 11। और 420/11 को हम लिख सकते हैं कितना, 38 सही 2/11। कितना लिख सकते हैं हम, 38 सही 2/11 मिनट। तो आपने देखा कि 4 और 5 बजे के बीच में हमने 2 एंगल निकाले, कौन से, 90 डिग्री के। 90 डिग्री में पहला जो हमारा एंगल आया वो 4:05 से 5/11 मिनट पे आया है, और दूसरा जो आ रहा है वो आपका आ रहा है 38 सही 2/11 मिनट पर। दोनों में जो है आपका वो क्या हो रहा है, 15 मिनट का डिफरेंस बन रहा है। ठीक है, आज की क्लास में इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में रखेंगे।